आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं कि सर क्या 2 जून से फॉर्म हम भर सकते हैं। लगातार बच्चों के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम सेंटर को लेके आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 50% 12th में नेसेसरी हैं इसके लिए लेके आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा आ रहा है क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर 2 जून से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके इस पूरे क्वेश्चन के जवाब की बात करूं तो लॉजिकली उत्तर है हाँ, आप लोग चौंक जाओगे कि भाई 2 जून से कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी 2 कैटेगरीज में जॉब निकाली है, एक आपका अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास वाले हैं और एक आपका ग्रेजुएट, और वो बच्चा जो अलग अलग फॉर्म भर रहा है, क्योंकि फॉर्म एक ही नहीं है, पहले फॉर्म एक होता था, इस बार फॉर्म अलग अलग हो गए हैं। तो सेम एनटीपीसी की वैकेंसी है लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी हैं, मतलब कि 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली, तो दोनों के जोन अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों के जोन सेम रहे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हो तो वहां पे जोन आपका एक ही रहेगा। मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। चैनल को नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग सारे प्रश्नों की आपकी। यहाँ पे बच्चे एक तो पूछ रहे हैं कि सर 12th में क्या 50% जरूरी है, और अगर 50% नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए। तो बच्चों ये तो समझिएगा कि 12th यानी कि प्लस टू स्टेज पे या उसका इक्विवेलेंट वे 50% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%। लेकिन वो बच्चे जो एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन है या फिर जो क्वालिफिकेशन हायर देन 12th पास किए हैं, उनके लिए 50% जरूरी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो क्या हैं, जो 12th के बाद, भले ही 12th में मान के चलो 12th में आपके 48% हैं, 12th में मान के चलो आपके 45% है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस। ग्रेजुएशन में 50 है, ग्रेजुएशन में 60 है, ग्रेजुएशन में 70 है, ग्रेजुएशन में जस्ट पास है कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया है तो ये 50% भी आपका कोई आंकड़ा कोई निर्धारित नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी अभी केवल 12वीं पास करके आया हो और अब क्या है वो उसने ग्रेजुएशन नहीं किया हो, वो फॉर्म भरना चाहता है, तो उसके 50% से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 50% या 50% से ज्यादा, 50% से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 49.9% भी नहीं होने चाहिए। क्लियर है भाई मेरे? तो इस हिसाब से आप समझिएगा। लेकिन अगर वो एससी एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन से है या फिर उसके पास क्या है क्वालिफिकेशन है हायर, तो उसके लिए 50% भी नेसेसरी नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आप मल्टीपल जोन से फॉर्म भर सकते हो। हां, अगर आपकी बात करें तो यहां पे एक आपका अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट है और एक आपका क्या है ग्रेजुएट वाला पोस्ट है, तो अंडर ग्रेजुएशन वाले जो अंडर ग्रेजुएशन का पोस्ट है उसके लिए आपका क्या हो सकता है जोन अलग हो सकता है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप डिफरेंट जोन ले सकते हो, और ग्रेजुएशन के लिए क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के लिए आप डिफरेंट जोन चूज कर सकते हो, क्योंकि जोन निर्धारण करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं बता दूं, जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को तो मैंने पूरा गाइडेंस दे दिया है, एक एक वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में आपका जो फॉर्म फिलिंग वाली प्ले लिस्ट है एनटीपीसी की, एक एक वीडियो उसमें लगा दिया हूं। अब मैं आपको जो 12th वाले बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसके लिए भी मैं सब कुछ, कि कौन सा जोन सेफ है, कहां से आपको आवेदन करना चाहिए, वैसे तो वैकेंसीज इतनी कम है आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि कौन सा जोन सेफ है कौन सा डेंजर है, लेकिन ये ध्यान देना होगा कहीं ऐसा जोन ना चूज कर लीजिए जहां पे वैकेंसीज ही ना हो। जैसे आप देखोगे टोटल 4 प्रकार की वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद में केवल 3 ही वैकेंसी हैं, 3 प्रकार की वैकेंसी हैं, अजमेर में दो दो ही टाइप की वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी गायब हैं, ऐसे ही अगर बात करोगे तो बेंगलुरु में केवल 3 ही प्रकार की 1 वैकेंसी गायब है, ऐसे ही भोपाल में भी 1 प्रकार की वैकेंसी गायब है, ऐसे ही बात करोगे भुवनेश्वर में 1 प्रकार की वैकेंसी गायब है, फिर आप बात करोगे बिलासपुर में भी 1 प्रकार की वैकेंसी गायब है, ये केवल चंडीगढ़ है जहां पे लगभग 4 वैकेंसी हैं, चेन्नई है जहां पे 4 वैकेंसी हैं, ऐसे फिर बात करोगे गोरखपुर में वैकेंसी गायब है, तो कहीं ऐसी जगह से ना आवेदन कर दो कि जहां पे आपके लिए सीट ही ना हो, कुछ वैकेंसी ही गायब हो, तो थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा। एक एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको पहले बताऊंगा जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, आप किस राज्य से हो तो कहां पे आपको आवेदन करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर जोन हो सकता है, कौन सा पोस्ट कितना
बेहतर है, लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है, और किस पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आप प्रेफरेंस मानते हो कि मुझे यही मिले तो उसके लिए क्या जोन होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज में बता दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब वॉश कर लीजिएगा। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूँ कि टीम परीक्षा प्लस मात्र 199 में बहुत बेहतरीन कोर्स चला रही है। इस पूरे कोर्स की जानकारी या परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हो, और ये बैच मात्र 199 में है, या आप चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2.0 देखोगे जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे नोट्स, एवरीथिंग जो आपको तैयारी के लिए चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। तो परीक्षा प्लस ऐप अभी डाउनलोड करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पड़ी हुई है, और बैच से जुड़िए। उम्मीद है कि आप लोग बैच से जुड़ेंगे और आपकी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से टीम परीक्षा प्लस के साथ चलेगी। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।